100 करता है, अभी बहुत ज्यादा ओवर रहते होते, बंदा सोचता है जनाब आज फिर 200 आएगा। लेकिन खैर वो आउट होके गए, दोनों ने बहुत तगड़े स्ट्राइक रेट्स के साथ 100 किया। विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट आई वाज डैम श्योर इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर हिटमैन विल स्ट्राइक लाइक द हिटमैन डज द बे। बहरहाल ये छोड़े, दिस इज नॉट द केस। थर्ड मोस्ट ऑन द लिस्ट, हाँ ये रिकी पॉन्टिंग के बराबर आ गया। देखे बात ये, रिजवान साहब आए और अय्यर का वनडे में कोई जोड़ ही नहीं है मेरी नजर में। आइए, गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं आज, बहुत सारे। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने प्लेन करके रख दिया न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, रिकॉर्ड्स टूटे हैं। बाबर आजम का रिकॉर्ड टूटा है, रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड टूटा है, और एक लिस्ट ऐसी जिसमें तीनों ही तीनों टॉप के तीन जो हैं इंडियंस हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स आप यहाँ सुनने वाले हैं। लेकिन 385 जब 200 हुआ था, 25 ओवर 26वें ओवर की लास्ट गेंद तक 2 सेंचुरी आ चुकी थी कुछ एक्स्ट्रा, उनको मिलाकर ऐसा लग रहा था कि भाई आज तो 450 होगा, 400 तो कहीं नहीं गया। लेकिन उसके बाद न विराट कोहली, न ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर के रनों की बदौलत ये आंकड़ा लग पाया है, तो वे भी काबिले तारीफ हैं। कैसी थी भारतीय बैटिंग, कैसी थी भारतीय बैटिंग, स्पेशली शुभमन गिल और रोहित शर्मा की, देखते हैं पाक मीडिया क्या कहता है। नहीं किया ये बड़ी जात को खुशामदीद कहते हैं। तो 385 रन्स बनाए हैं इंडिया ने, और वैसे तो 385 बोर्ड पे देख के बंदा खुश ही होता है, लेकिन हकीकत ये है कि 212 पे पहली विकेट गिरी थी। बेतहाशा ओवर्स रहते थे तो ऐसा लगा कि 400 तो कहीं पे भी नहीं गया, 400 से तो ऊपर की बात करें, अब 400 के नीचे की नहीं। तो दोनों ओपनर्स ने बहुत ही शानदार किस्म का आगाज फ्राहम किया। रोहित शर्मा फ्लुएंट एज ऑलवेज, हमने देखी है उनकी भाई बारियां इसी तरह ही होती हैं, फ्लुएंट किस्म की, चौके हों या छक्के हों, ऑफ साइड पे खेलें या लेग साइड पे या स्ट्रेट पे, और पुल एंड हुक शॉट स्पिनर्स के खिलाफ, और वो जो सैटनर की गेंद को हल्का सा पीछे ठप्पा लगा नहीं तो उठा के मिड विकेट पे मारा, एब्सोल्युटली फंटास्टिक ही वाज। और आया जनाब सो कैप्टन रोहित शर्मा के बल्ले से, साथ में गिल जो है उनका बल्ला तो रुक ही नहीं रहा, वो तो माशाल्लाह पता नहीं अच्छा साउंड का मैं लगाया ही नहीं भाई, एक सेकंड मैं अभी लगाता हूँ, आवाज़ के बगैर ही हम जरा आज हम कुछ ज़्यादा जोश में थे, हमने कहा कि भाई बहुत ही शानदार आ रही है तो बगैर आवाज़ के ही काम ठीक है। तो एवर फ्लुएंट गिल, पिछले मैच में तो रन ही कम थे, अगर उसमें भी 250 किया होता न्यूजीलैंड ने तो शायद उसमें भी 100 करता वो। तो पहले मैच में देखिए 200 शानदार, दूसरे मैच में नॉट आउट, और आज फिर सेंचुरी, 360 रन्स उसने किए हैं जनाब। 3 मैच की सीरीज में वो बाबर आजम का रिकॉर्ड अभी भाईजान बता रहे थे वो बराबर हो गया जी। तो एवर फ्लुएंट गिल बहुत ही शानदार खेला वो, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। और दोनों ही ओपनर रोहित शर्मा को खैर क्लास अपार्ट, ओवर द ईयर्स हम देखते हुए आ रहे हैं, और जैसे ही 100 करता है, अभी बहुत ज्यादा ओवर रहते होते बंदा सोचता है जनाब आज फिर 200 आएगा। लेकिन खैर वो आउट होके गए, दोनों ने बहुत तगड़े स्ट्राइक रेट्स के साथ 100 किया। उसके बाद फिर बस वही कोहली, ही वॉज लुकिंग ओके, लेकिन बड़े रन नहीं कर पाए। बाकी जो खिलाड़ी हैं उन पर बात करेंगे, सूर्या कुमार यादव ही गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टूडे बट अपॉर्चुनिटी वेस्टेड। ईशान किशन का तो चलो 200 करके आया, आप थोड़ा मार्जिन देते हैं, करवा दिया ना, हॉरेबल मिक्सअप। हाँ तो बस वो फिर हो गया, लेकिन 400 से नीचे नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया को कहीं रुकेगा, तो चलो 385 किया है जी भाईजान। ओपनर्स देवर 100 आ गया भाईजान, आपको आज आप बार बार पूछे थे 100 आएगा नहीं आएगा, रोहित शर्मा उसने कहा था स्पेशल आएगा, आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपको पिछले मैच में कहा था कि ये मैच हर सूरत में रोहित और विराट को खेलना चाहिए, हल्की सी फॉर्म जो है नजर आ रही है रोहित की, और आज उसने कह दिया था समथिंग स्पेशल इज कमिंग, जब उसने कह दिया तो फिर समथिंग स्पेशल इज कमिंग। अच्छा आप बात कर रहे हैं गिल और रोहित की, आप बात कर रहे हैं 80-70 आठ बॉलों में 100 की, भाजन जिसने 60 बॉलों में 100 किया वो आपने जिक्र ही नहीं किया, नहीं नहीं किया, ये बड़ी जाति की है आपने है? वो डफी है, उन्होंने भी 100 रन पूरे किए यार, वो आप जिक्र ही नहीं कर रहे। बहरहाल देखें
बहुत ही ज्यादा 26.1 ओवर 212 कोई आउट नहीं। पहली बॉल पहली विकेट रोहित शर्मा जा रहे हैं, फिर गिल जा रहे हैं, फिर एक जा रहा है, दूसरा जा रहा है, विराट जा रहा है, लेकिन देखिए ये जो रन आउट है उसने काया ही पलट दी। स्काई आप दोस्त कहते जी उसे टेस्ट खेलना चाहिए, टेस्ट खेलना चाहिए, भाईजान ये वनडे जो है इसको मिनी टेस्ट कहा जाता है। 1100 दिनों के बाद 100 आया जनाब हिटमैन का जनाब। हमें विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट आई वाज डैम श्योर इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर हिटमैन विल स्ट्राइक लाइक द हिटमैन डज द वे। बहरहाल ये छोड़े, दिस इज नॉट द केस। थर्ड मोस्ट ऑन द लिस्ट, हाँ ये रिकी पॉन्टिंग के बराबर आ गया। देखिए बात ये रिजवान साहब, ये इंडिया की मैनेजमेंट को बैठना पड़ेगा। देखिए ये T20 वाला जो स्टाइल है ना, ये वनडे में नहीं चलेगा। दोस्त खुश है 385 हो गया, जबरदस्त हो गया, ये दुआ दे हार्दिक पांड्या को। शुरू में बहुत हल्का खेला है, फ्रॉम 26 to 43 17 ओवरों में 107 रन आए हैं, 17 ओवरों में 107, जिसमें सारी बड़ी विकेटें चली गई सारी। तो भाई ये देखे लोग खुश, भाई इतने रन बढ़ गए, मैं आपको खुश नहीं करूं। 50 तेंदुलकर की, 46 कोहली की, 30 शर्मा की, लेकिन जाहिर है मैच कम है तो पॉन्टिंग की भी 30, तो थर्ड ऑन द लिस्ट एंड ऑल थ्री आर इंडियंस, सचिन कोहली एंड दिस इज द डोमिनेंस, ऑल थ्री आर दिस इज द डोमिनेंस। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं स्काई मिस अपॉर्चुनिटी, ही हैव टू फाइट विद अय्यर फॉर फिफ्थ प्लेस इन इंडियन बैटिंग, देयर इज नो फाइट, न्यूजीलैंड विल विन इफ स्कोर इज 60 for 0 इन 10 ओवर्स, न्यूजीलैंड रिस्ट्रिक्टेड इंडिया मोमेंटम। ये नहीं है, देखे स्काई और अय्यर का वनडे में कोई जोड़ ही नहीं है मेरी नजर में, अय्यर इज वे अहेड ऑफ स्काई। ये समीर भी कह रहे हैं भाईजान वो आपसे एग्री करते हैं, अभी तक ओडीआई के लिए रेडी नहीं लग रहा स्काई, आप ठीक कह रहे हैं, और अपनी विकेट का वैल्यू ही रियलाइज नहीं कर रहा, और 385 आप अच्छा, इसमें कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग मुझे आर्गुमेंट देते हैं कि जी वो 20 बॉलें जो होती हैं बॉल हार्ड रहता है, भाईजान ये 25 ओवर के मैच में भी बॉल हार्ड रहता है, क्योंकि 25-25 ओवर होने होते हैं बॉल से, कौन से 50 ओवर होते हैं नए बॉल से, दोनों एंड पे नए बॉल होते हैं, बॉल हार्ड होता है 25 ओवरों में। अगर पूरा 25 ओवर खेले स्काई रिजवान साहब पूरा खेले तो भाईजान नहीं है ये कोई लॉजिक, ही सिंपली डजंट अंडरस्टैंड। आज भी देयर वर एम्पल ऑफ ओवर्स लेफ्ट, जब स्काई आउट हुआ ढेर सारे ओवर पड़े थे, चले ठाकुर ने थोड़ा बेहतर खेला, टिकनर को भी 70 odd, शॉट डबी को पड़ा, और ब्रेसवेल को भी 6 ओवरों में 50 odd पड़ा, फिरगौसन को भी पड़ा, लेकिन देखें 25 से 30 रन, जिस तरह 26.1 ओवर में 212 था। और हमेशा कहा जाता है जो आप रन करते हैं आधे ओवरों में उसके बाद आप उतने डबल कर ले उसको, अगर विकेट से एंड हो तो भाई जान 200 रन तो होने चाहिए विकेट से एंड भी। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट था इंडिया रनों के मामले में, जिस हिसाब से 200 आ गए थे 25 ओवरों में लगभग 25, तो दो सेंचुरी उसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल के जाते ही विराट कोहली को देखकर ऐसा लग रहा था कि 100 और आ जाएगा, और कोई ताज्जुब नहीं था, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं थी, गेंदें इतनी पड़ी थी, आधे ओवर पड़े थे, पूरा T20 का मैच अभी पड़ा था, उससे भी ज़्यादा, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन क्या अब ये हो पाएगा कि न्यूजीलैंड इसे चेज कर लेगी, देखना होगा। न्यूजीलैंड ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी पहले भी, देखना होगा कहां तक पीछा करती है न्यूजीलैंड। अभी के लिए बस यही, बड़ी जल्दी ही मिलते हैं जीत के साथ, और बात करेंगे इंडिया की बॉलिंग पर भी। अभी के लिए इजाज़त, जय हिंद।